मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। आज इन राज्यों में बारिश के आसार, 23 मार्च से और बिगड़ेंगे हालात। 23 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य सहित उत्तर पश्चिम भारत में तेज गरज के साथ बारिश शुरू होने की संभावना है। देश में अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते कई राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं। 23 मार्च से हालात और खराब होंगे। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए येलो तो कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। 23 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में उत्तर पश्चिम भारत में तेज गरज के साथ बारिश शुरू होने की संभावना है। अहमदाबाद के मौसम विभाग के निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि मंगलवार को हल्की बारिश की संभावना के साथ गुजरात में अगले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने असम और मेघालय को सोमवार से ऑरेंज अलर्ट पर रखा था। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। 22 तारीख को अरुणाचल प्रदेश, असम और मोगलिया में अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ में तेज बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तेजी से हवा चल रही है उसकी रफ्तार 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से कम नहीं है। हालांकि दर्ज होने के बाद भी निश्चित तौर पर इसकी स्पीड बताई जा सकती है। लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोंडा, अयोध्या और रायबरेली के जिला अधिकारियों को अलर्ट किया गया है और व्यापक नुकसान के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में 24 मार्च तक मौसम के मिजाज में यूं ही बने रहने के आसार हैं। एमपी मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे बाद 23 मार्च तक एक बार फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे 23 से 25 मार्च के बीच प्रदेश में फिर से बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। इसका ज्यादा असर ग्वालियर, चंबल संभाग में देखने को मिलेगा। आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ रहेगा। एमपी मौसम विभाग की माने तो 23 से 24 मार्च को भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम बदला रहेगा। तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग में 24 मार्च तक गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और आंधी के आसार हैं। अगले 24 घंटों में जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। 21 और 22 मार्च को इस तंत्र का प्रभाव कम होने से आंधी, बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। इस दौरान ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 23 और 24 मार्च को सक्रिय रहेगा, जिससे एक बार फिर से 23 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। विभाग ने मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला, खरसावा के लिए चेतावनी जारी की है। दरअसल राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा कहीं कहीं वज्रपात के साथ तेज हवा चलने और ओलावृष्टि की संभावना है।